नाजरीन, सिंध में लॉकडाउन की वजह से कई मजदूर अफराद के घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ एक ऐसा घराना, उस घर की एक ऐसी औरत जो रो रो के फरियाद कर रही है कि मेरे बच्चे भूखे हैं मगर मेरी कोई मदद की नहीं जा रही है। उनसे पूछते हैं कि उनकी दर्द भरी कहानी क्या है। कड़ो पागल था वे कड़ो कड़ो बीमार था वो ने जा चार बचा चार हो ने जा आठ बचा दी बीमार में के सरत है कम मारा रो को बको ने मानिए के चगा ना सके तड़ी ना वन ने हर कवर मिल सका पजे तो मुसलमान दादा करे में कना फेर नजीर जा पैसा मिलन ना के छा मिलन मारन के घड़ी मिले में के कुछ ना तो मिले में बच्चा तड़ पड़ता है न ले तो सागे सिंधु को तो कुछ दिनो आ गरीब बन गए बन गए भुखा मार रहे मारी माला माल कर जनके नौकरी जनके पगारू और ननगे जी असि मच्छी हमारा साज मच्छी बेड़ी सुखिया था सा मच्छा तड़पना वदा ने असा के नी असि बेवा और तब जा 25 साल ते अन मुड़ सुपाते दी वदा ने बजा रात तो में चा लंगर सो तान वा बे गोटा कवाटी दिया जा तनु खाऊ सरकार का बंदे तो सब मिस्किन और बेवान यत्ती मन सा बंदा ना करे यत्ती मन के नहीं है कौन भागी रंग पैसे वाला नहीं है नहीं है अजन जा कम मारा वाला हम ना क्या मिला जन के मार लो असागे ना मार लो ना सागे बंदी ना सागे मार रहा मावन जा जन कोटा वो बंदा ग्राफ नहीं है जाता नहीं बच्चों नहीं है नहीं है वास सादा बंदा तो ना थी दे अब आगे बंदा तो नहीं बिया तो सागे ही में ना आजा बादशाह चढ़े तो गरीब अगर बस सारो करे तो कि बादशाह चढ़े तो सानी मानी वटा बंद ने आए ने अरे मजा रात में बचा लगन सोता है ने मैं गोटा वाली मट्टी अजा मानी हो गया चुमा मारो न तो मिले मैं ये कह रहा हूँ मैं तो यार नाजरीन, इस कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की वजह बहुत गरीब अफराद इस वक्त अपने घरों में चूल्हा बुझने की वजह से परेशान हाल है। इस औरत की फरियाद, इस औरत के आंसू रो रो के पुकार रहे हैं कि हमारे हुक्मरान आगे आए और मेरी मदद करें। सवाल यह है कि कौन आएगा और उनकी मदद करेगा और उनके पेट की भूख की आग को बुझाएगा।